कुछ रिजल्ट रिजल्ट मेरे को भी नहीं दिख रहे खास। क्या बोला तूने? कौन जी भाई, अपने ग्लूट्स थोड़े ज्यादा वीक थे। हमारी पहली अपडेट आ रही मनोज पाटिल के तरफ से। मनोज पाटिल आफ्टर वर्कआउट के अपने करेंट टाइम की फिजिक अपडेट शेयर करते हैं। इस पिक को शेयर करते हैं जिसमें आप इनकी ओवरऑल बॉडी की कंडीशन देख सकते हैं कि बॉडी यहाँ पर सेटेड दिख रही। आप यहाँ पर इनका मिड सेक्शन भी देख सकते हैं कि यहाँ पर विजुअल हो रहा। वही बात जब आप यहाँ पर वीडियो में देखेंगे तो इनकी बॉडी कितनी ज्यादा ह्यूज लग रही। यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके आर्म्स डोमिनेट कर रहे हैं इनकी बॉडी की कंडीशन को। तो दोस्तों, आप लोगों को मनोज पाटिल की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है? क्या मनोज पाटिल आज से 40 दिन बाद भारत प्रोसो में अली बिलाल, इमाइल वॉकर, इमरान खान को बीट करके एंड जैसे कि आप लोगों ने सुना कि राहुल फिटनेस कमबैक कर चुके हैं, वो फिर से भारत प्रोसो में खेलने वाले। वो किस कारण से भारत प्रोसो से हटे थे वो कारण तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कमबैक का अनाउंस कर दिया कि वो भारत प्रोसो में कम्पीट करेंगे। तो क्या मनोज पाटिल राहुल फिटनेस, अली बिलाल, इमाइल वॉकर एंड इमरान खान जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर को बीट करके भारत प्रोसो जीतने का अपना दावा पेश कर सकते हैं कि नहीं? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट बॉडी बिल्डर के विषय में बात कर लेते। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है रामनिवास मलिक की तरफ से। रामनिवास मलिक भी अपने बॉडी की कंडीशन शेयर करते हुए यहाँ पर दो वीडियो शेयर करते हैं। पहला वीडियो ये बैक के वर्कआउट के दौरान का है और दूसरा वीडियो अपनी बैक की कंडीशन शेयर करते हुए बैक लेट्स स्प्रेड की पोजिंग यहाँ पर कर रहे हैं। आप यहाँ पर इनकी ओवरऑल बैक देखेंगे तो बैक कितनी ज्यादा वाइड एंगल में खुल रही है एंड आप यहाँ पर बैक में इनके थिकनेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा बैक यहाँ पर लीन भी दिख रही, मतलब कि बॉडी में ज्यादा फैट भी नहीं दिख रहा। तो दोस्तों, आप लोगों को रामनिवास मलिक की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है? क्या रामनिवास मलिक मिस्टर वर्ल्ड जो नवंबर मंथ में होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर वो किसी अदर शो में खेलने वाले हैं? हम आपको हल्का रामनिवास मलिक की हिस्ट्री के विषय में बता देते हैं। रामनिवास मलिक मिस्टर इंडिया में 6 टाइम गोल्ड मेडल जीते हैं एंड 3 टाइम वो चैंपियन ऑफ चैंपियन भी रहते हैं मिस्टर इंडिया में। मिस्टर वर्ल्ड में वो 2 बार सिल्वर मेडल जीतते हैं एंड नॉर्थ इंडिया में वो 3 बार गोल्ड मेडल जीतते हैं। इसके अलावा वो रेलवे चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट करते हैं और वो 6 टाइम इसके विनर बनते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को रामनिवास मलिक की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है? क्या अपने रामनिवास मलिक फिर से कमबैक करने वाले? क्या वो अपने को फिर से किसी शो में कम्पीट करते हुए दिख सकते हैं कि नहीं? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही मुनीश कुमार की तरफ से। ये खेलते मेंस फिजिक डिवीजन से और ये रहते हैं कनाडा में, लेकिन ये इंडिया की तरफ से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में कम्पीट करते हैं। अभी पंजाब में एक NPC शो हुआ था जिसमें इनको गेस्ट पोजिंग के लिए बुलाया गया था, जिससे आप यहाँ पास इनके करंट टाइम की कंडीशन देख सकते हैं, क्योंकि ये भी मुंबई में होने वाले अमेचर ओलंपिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और आप यहाँ पास इनके करंट टाइम की कंडीशन भी देख सकते हैं कि कंप्लीट बॉडी यहाँ पर सेटेड दिख रही एंड बॉडी में मसल मास भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों, शायद कोई ही ऐसा बॉडी बिल्डर हो सकता है जो मुनीश कुमार को अमेचर ओलंपिया मुंबई में बीट करके प्रो कार्ड के लिए अपना दावा पेश कर सके, क्योंकि अभी तक मुनीश कुमार ने अदर कंट्री के जितने भी 200 से 300 में पार्टिसिपेट किए हैं वो भी इस साल, तो उसमें वो गोल्ड मेडल ही जीते हैं। अब वो मुंबई में होने वाले अमेचर ओलंपिया में खेलने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ भी वो गोल्ड मेडल जीत के प्रो कार्ड की फाइट में उतरेंगे और इतने हैवी बॉडी के साथ शायद ही इनको कोई बीट कर सके प्रो कार्ड के लिए। तो दोस्तों, जहाँ तक कंफर्म है कि मुनीश कुमार अपना प्रो कार्ड 2023 में वो मुंबई में ही जीतेंगे। आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है मीमो युवराज की तरफ से। जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि मीमो युवराज अपने आगे की प्रेप की तैयारी वो दुबई में रह के कर रहे हैं। दुबई से वो अपने करंट फिजिक अपडेट शेयर करते हुए इस वीडियो एंड पिक को शेयर करते हैं। आप यहाँ पर वीडियो में फोकस करते हैं तो इनकी कंप्लीट बॉडी यहाँ पर रिप्ड दिख रही। आप यहाँ पर विंस इनके बॉडी की कंडीशन में साफ तौर पर देख सकते हैं। हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि मीमो युवराज भी भारत प्रोसो में कम्पीट करने वाले हैं। तो आप लोगों को मीमो युवराज की इस कंडीशन को देख के क्या लगता है? क्या मीमो युवराज भारत प्रोसो में टॉप 5 में आ पाएंगे कि नहीं? आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं एंड आप लोग मीमो युवराज को सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ये भी काफी लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये किसी प्रोसो में टॉप 5 के अंदर तक में आ सके। अब हम अपने नेक्स्ट अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है नितिन चंडीला की तरफ से। यहाँ पर नितिन चंडीला खुद ही बताते कि उनके ग्लूट्स वीक है। हम आपको यहाँ पर कुछ वीडियो भी दिखा देते जब ये कम्पीट करते हैं कॉम्पिटिशन में। आप यहाँ पर जैसे कि वीडियो में देख सकते कि इनके ग्लूट्स में उतनी अच्छी तरह से फाइबर नहीं दिखते, जबकि ये खेलते बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से और बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में ग्लूट्स की कंडीशन एक बॉडी बिल्डर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है।
तो चलिए दोस्तों, नितिन चंडीला ने भी अपने ग्लूट्स को परफेक्ट करने के लिए वो मशीन मंगाए हैं एंड अब वो इसका वर्कआउट भी कर रहे हैं। तो आप लोग क्या लगता है, क्या नितिन चंडीला अपने बॉडी के जिस प्रकार से इस छोटे पार्ट में इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो क्या वो इस पार्ट के माध्यम से वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन विनर बन पाएंगे बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में कि नहीं, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट अपडेट के विषय में बात कर लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है रोहित खत्री की तरफ से। रोहित खत्री ने अपने बॉडी की कंडीशन एंड अपने हेटर्स को क्या रिप्लाई किया उसको सुन लेते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिएगा आगे भी इसी प्रकार से बॉडी बिल्डिंग की अपडेट्स पाने के लिए। कुछ लोग पिछले एपिसोड में बोल रहे थे ओए सर ने तो बोल दिया रिजल्ट नहीं है, तो अच्छी बात है ना, इसी से मैं मोटिवेट हुआ हूँ कि रिजल्ट है नहीं तो मेहनत और करनी पड़ेगी। कर लेता हूँ भाई, ठीक है यार, मेरे को कुछ रिजल्ट भी नहीं दिख रहे खास।